सहनावतु सहनौपुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मीमांसा दर्शन की 256वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के छठे अध्याय का प्रथम पाठ चल रहा है और इसमें हमने पिछली कक्षा में दूसरे अधिकरण को किया था। अब तीसरा अधिकरण प्रारंभ करते हैं। शीर्षक है क्रतुषु स्त्रिया अपि अधिकाराधिकरणम्। क्रतु में यज्ञों में स्त्रियों का भी अधिकार होता है, इस विषय में कहते हैं। तो सिद्धांत पक्ष यह है कि यज्ञों में स्त्रियों को भी अधिकार है, लेकिन उस समय भी इस तरह की बातें रही होंगी कि स्त्रियों को यज्ञ का अधिकार नहीं है, अथवा शास्त्र के जो वचन मिलते हैं उनके आधार पर कुछ ने ये निष्कर्ष निकाला कि यहां स्त्रियों के लिए याग का विधान नहीं किया गया है। भाष्य देखिए, दर्शपूर्ण मासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेता। तो जिस स्वर्ग की कामना वाला हो वो दर्शपूर्ण मास के द्वारा यजन करे। इत्यवमादि समाम नायते, इस प्रकार के ये और इस प्रकार के और वचन भी शास्त्रों में कहे गए हैं। तत्र संदेह, अब इन वचनों के प्रति संदेह है, किम स्वर्ग कामम पुमांसम अधिकृत्य यजेत इत्येष शब्द उच्चरिता। ये जो स्वर्ग काम शब्द पढ़ा गया है, ये तो स्वर्ग की कामना वाले को पुंस तो विशिष्ट होता हुआ, वो पुरुष हो, उसको अधिकृत करके यजेत ये शब्द कहा गया है। क्या यजेत यहां पर विधि है, लेकिन कौन यजन करे? तो स्वर्ग काम, तो यहां पर स्वर्ग काम शब्द पुल्लिंग में है। इस दृष्टि से उनका ये भाव आ रहा है कि स्वर्ग की जिसको कामना है ऐसा पुम विशिष्ट व्यक्ति मनुष्य यजन करे। अथवा अनियम, अथवा इसमें कोई नियम नहीं है। स्त्रियम पुमांसम वायति, तो स्त्री हो या पुरुष हो उसको अधिकृत करके वो जो भी हो उनमें से जिसकी भी स्वर्ग की कामना हो वो यजन कर सकता है या कर सकती है या कर सकता है। ये दूसरा पक्ष है। तो किम प्राप्तम, इसमें पूर्व पक्षी कहता है लिंग विशेष निर्देशात पुंयुक्तम ऐतिशायन। तो ऐतिशायन आचार्य के मत को यहां पर रख रहे हैं, वो पूर्व पक्षी की दृष्टि से ही कथन है। यहां पर यहां लिंग विशेष का निर्देश होने से जो पुम युक्त मनुष्य है, पुरुष है, पुल्लिंग है, वह है ही इसको कर सकता है। और लिंग विशेष का निर्देश यहां पर स्वर्ग काम इस शब्द में पुल्लिंग में कथन किया गया है, इसलिए पुरुष ही यजन कर सकता है। भाष्य में यही कहा पुल्लिंगम अधिकृतम मेने ऐतिशायन। तो पुल्लिंग यहां पर अधिकृत है ऐसा जानते थे ऐतिशायन, बहुत पहले के, यानी ये लिटलकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, पूरा काल में कभी बहुत पहले की बात कही जा रही है, उसमें ऐतिशायन ऐसा मानते थे। कुतः लिंग विशेष निर्देशात, सूत्र का भाग है ये, खोल रहे हैं, पुल्लिंगेन विशेषेन निर्देशो भवति। पुल्लिंग इस विशेषण के द्वारा यहां पर निर्देश किया गया है, क्या? स्वर्ग कामो यजेतः, स्वर्ग काम इस शब्द पर केंद्रित है। तस्मात पुमान युक्तो यजेता इति न स्त्री, इसलिए पुंस विशिष्ट जो मनुष्य होता है वो यजन करे, न कि स्त्री। इसी पे और पूर्व पक्षी आगे कह रहा है अपनी बात की पुष्टि के लिए, पूर्व पक्षी का सूत्र है तदुक्तित्वाच्च दोष श्रुति ही अविज्ञाते। तद उक्तित्वाच्च, उसका कथन होने से भी, ये एक विशेष कथन और आगे बता रहे हैं कि लिंग का कथन होने से, लिंग की विवक्षा होने से, लिंग को वहां पर कहना चाहते हैं, और दोष श्रुति अविज्ञाते, अविज्ञात गर्भ के नाश होने में, अविज्ञात में दोष की श्रुति मानी गई है कि जिस गर्भ का पता नहीं हो कि वो पुं गर्भ है या स्त्री गर्भ है,
तो ऐसे में दोष का कथन किया गया होने से अविज्ञात में, भाष्य में स्पष्ट होगा कि अविज्ञाते गर्भे हते भ्रूण हत्यानुवादी भव, भ्रूण हत्यानुवादो भवती। भ्रूण हत्या का जो कथन है कि ये भ्रूण हत्यारा हो गया, इसने भ्रूण हत्या की, ये जो कथन होता है, अनुवाद मतलब यहां कथन है, वो कब होता है? अविज्ञाते गर्भे हते, जिस गर्भ का लिंग नहीं पता है उसके मारने पर भ्रूण हा उसको कहा जाता है, भ्रूण हत्या का दोष कहा जाता है। अविज्ञाते का मतलब है लिंग का ज्ञान ना हो। एक अर्थ तो यह है कि उसको यही नहीं पता है कि गर्भ है या नहीं है, ये अवज्ञात। उसके लिए दूसरा एक वचन आगे देंगे, उसका एक तात्पर्य वहां ये निकलता है, और यहां तात्पर्य लिया है कि जिसको लिंग का नहीं पता है तब उसमें दोष माना जाता है। तो इनका ये कहना है, उसके लिए वचन दिया, तस्मात अविज्ञातेन गर्भेण हतेन भ्रूण भवति। अविज्ञात गर्भ के मारे जाने पर, जिसके द्वारा अविज्ञात गर्भ को मारा गया है, जिसने ऐसा किया है, इससे, इस कारण से, चूंकि उसने अविज्ञात गर्भ को मारा है इसलिए वो भ्रूण हा है, भ्रूण को नष्ट करने वाला है। अब ये बात आती है कि यहां पर अविज्ञातेन ये विशेषण क्यों दिया? सीधा कह देते हैं ना, गर्भेण हतेन भ्रूण हा भवति, गर्भ को नष्ट करने वाला भ्रूण हा होता है, तो अविज्ञात ये शब्द क्यों कहा? तब यूं कहेंगे जाते न तो न भ्रूण हा, अगर उसने उसको पता है तो भ्रूण हा नहीं होगा, भ्रूण को नष्ट करने वाला नहीं होगा, उसको पता है। जैसे कि आजकल होता है ऐसा, तो ऐसा भी होता है कि जब पता नहीं है कि भाई बच्चा है या बच्ची है, कुछ उसमें देखना नहीं है, बस उनको तो गर्भपात करवाना है तो गर्भपात करवा दिया, ये तो एक अलग बात हो गई। दूसरा, आजकल जो भ्रूण परीक्षण होता है और स्त्री भ्रूण की हत्या की जाती है, जो कि आज की एक बड़ी समस्या बनी हुई है, उसमें तो वो पहले जानते हैं, चिकित्सालय भी जना देते हैं, ऐसे परीक्षण होते हैं, यद्यपि वो प्रतिबंधित किया हुआ है, बहुत विशेष अवस्था में कुछ जाना होता है, नहीं तो प्रतिबंध किया होता है, और आजकल चिकित्सालयों में ये एक सूचना लगानी होती है कि यहाँ भ्रूण परीक्षण नहीं किया जाता, इसको बहुत अधिक मात्रा में, और उससे पुरुष और स्त्री का अनुपात काफ़ी बिगड़ा, इसलिए सरकार ने कई कठोर कदम उठाए, लेकिन समाज के अंदर अभी भी काफ़ी चल रहा है। तो वो तो जान करके करते हैं, उनको पता है कि ये स्त्री भ्रूण है इसलिए करते हैं, वहां प्राय करके स्त्री भ्रूण की हत्या की जाती है, पुंभ भ्रूण की हत्या होती है तो उसका तो दूसरा प्रयोजन होता है, और कुछ स्थितियों में स्वीकार्य भी होता है कि पता है कि भाई ये गर्भ अब मां के लिए हानिकारक होगा या गर्भ बहुत विकृत है, ठीक नहीं होता है, ऐसे में चिकित्सक का विवेक होता है और परिवार वालों का होता है, उस स्थिति में भी वो कुछ स्वीकार किया जाता है, माँ के हित के लिए नहीं है अभी ये, तो माँ जो इतनी बड़ी हो चुकी है उसको बचाएं या छोटे शिशु को बचाएं, गर्भस्थ शिशु को, तो ऐसे में किसी एक को बचाना होता है, किसको बचाया जाए, तो उन सब स्थितियों में अलग बात होती है, लेकिन आजकल जो होता है वो तो स्त्री भ्रूण को देख के होता है। तो यहां इन्होंने कहा कि तस्मात अविज्ञाते न गर्भेण हते न भ्रूण हा भवती, है पूर्व पक्षी है लेकिन इसने एक वचन लिखा है, उस समय को ये वचन कहाँ का है, ये तो अनुपलब्ध मूल नीचे लिखा है, ये कोई वेद का वचन तो है नहीं, तो किसी शास्त्र में या कहीं ये संस्कृत का वचन उस समय उपलब्ध होता होगा, तो लेकिन इसका तात्पर्य क्या है वो तो फिर और आगे की बात है, लेकिन ये माना जाए या ना माना जाए ये तो चर्चा आगे चलेगी, सिद्धांत पक्ष तो नहीं है, लेकिन पूर्व पक्ष ही कह रहा है। अब इसी को खोल रहा है कि ये अविज्ञाते न क्यों पढ़ा है यहां पर, इससे पूर्व पक्षी ये सिद्ध करना चाहता है कि पुरुष को ही यज्ञाधिकार है। अब इससे ये पुरुष को यज्ञाधिकार ये कैसे सिद्ध करता है वो भाष्य में हम देखते हैं, तो कहते हैं आगे, भ्रूण हा पाप कृत्तम, इतने अंश को विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, ये भी गहरे अक्षरों में होना चाहिए था पर सामान्य में है अभी, और इसके बाद जो पूर्ण विराम लगा हुआ है उसको काट दीजिए, हटा दीजिए, भ्रूण हा पाप कृत्तम, ये भी कोई कहीं का वचन है कि जो भ्रूण की हत्या करता है वो पाप कृतम, पाप महापापी है, भयंकर पाप उसने, अत्यंत पाप है, सबसे बड़ा पाप है, ये यहां पर कथन किया गया। क्यों? तो उसके लिए कहें, यश्च उभयोर लोकयोर उपकरोति, जो दोनों लोकों का उपकार करता है, तस्य हत्ता भ्रूण, उसका जो नाश करता है वो भ्रूण को नष्ट करने वाला कहलाता है, जो दोनों लोकों का उपकार करता है
कौन? पुत्र, पुरुष पुत्र, बच्चा, इस लोक का भी उद्धार करता है और पुम नाम के नरक से भी तारता है, यानी परलोक में भी जो तारता है, ऐसा वो जो पुरुष है, पुरुष पुम गर्भ जो है बड़ा होकर के, वो जो दोनों लोकों का उपकार करता है, उसका जो मारने वाला है वो भ्रूणहा होता है। क्यों ऐसा होता है उसके लिए और आगे बता रहे हैं, यज्ञ हंता भ्रूणहा। अब जो पूर्ण विराम है उसको हटा दीजिए, उसकी जगह अल्प विराम ले लीजिए, स यज्ञ साधन वधकारी। अब देखिए, यज्ञ हंता भ्रूणहा ये कहा गया है। अब इसको दो तरह से देखें कि जो यज्ञ का हनन करता है उसको भ्रूण हत्यारा बोलते हैं, दूसरे ढंग से कि जो भ्रूण की हत्या करता है वो यज्ञ की हत्या करता है, यज्ञ का हंता है वो, जो भ्रूण की हत्या करता है वो यज्ञ का हंता है, जो यज्ञ का हंता है वो भ्रूण का हंता है। तो जो भ्रूण की हत्या करता है उसको यज्ञ की हत्या करने वाला कहते हैं, यह तात्पर्य ये है। लेकिन भ्रूण, हा भ्रूण की हत्या का प्रसंग पहले से चल रहा है, जो भ्रूण की हत्या करता है वो यज्ञ की हत्या करता है। क्यों ऐसा है कि जो दोनों लोगों का उपकार करता है उस, नहीं, स यज्ञ साधन वधकारी, वो यज्ञ के साधन का वध करने वाला होता है। कौन? जो भ्रूण की हत्या करता है वो यज्ञ के साधन की हत्या करता है, इसलिए उसको यज्ञ हंता बोलते हैं। यज्ञ का साधन कौन है? वो बच्चा, लड़का, पुरुष, वो यज्ञ का साधन है, इसलिए उसको यज्ञ हंता बोलते हैं, वो भ्रूणहा है। तस्मात यज्ञम भ्रूण शब्दे न अभिदधाती, ये जो यज्ञ है उसको भ्रूण शब्द से कहते हैं, यज्ञ को भ्रूण शब्द से कहते हैं। तो जो यज्ञ की हत्या करता है, यानी यज्ञ के साधन की हत्या करता है, जो यज्ञ के साधन की हत्या करता है तो इसलिए उसको भ्रूणहा कहते हैं। यानी भ्रूण शब्द ये यज्ञ परक मान रहे हैं, भ्रूण का मतलब है यज्ञ, और जो यज्ञ के साधन की हत्या करता है वो यज्ञ हंता हो गया और वो भ्रूण हत्या, भ्रूणहा हो गया। तो तस्मात यज्ञम भ्रूण शब्देन अभी दधाति। सही क्यों ऐसा है? सही विभर्ति वा सर्वम भूतिम वा नयति। तो वह का मतलब है वह भ्रूण कह लीजिए या यज्ञ कह लीजिए, वो जो यज्ञ है, सही विभर्ति वा सर्वम, वो ही सभी का धारण करता है, यज्ञ जो है वो सबका धारण करता है। भूतिम वा नयति अथवा हमारे ऐश्वर्य या समृद्धि को ले जाता है, उस ओर बढ़ाता है, इसलिए उसकी हत्या करने वाला भ्रूणहा कहलाता है। अतो भ्रूणहा यज्ञ वधकारी, जो भ्रूण की हत्या करता है वो यज्ञ की हत्या करता है। सब पुम युक्तत्वाद अनुवादो अवकल्पते, और वह जो है पुरुषत्व से युक्त होता हुआ अनुवाद माना जाता है। ये जो पुम से युक्त है, पुम युक्त मतलब तो यहां पर ये जो पुम युक्त है यज्ञ करने वाला, उसका यहां पर अनुवाद माना जाएगा। पहले पुम युक्त कह दिया गया है और उसका यहां पर अनुवाद माना जाएगा। ये जो अभिज्ञाते न कहा गया है उससे देख, खोल रहे हैं इसको और आगे यहां कहा, सब पुम युक्तत्वाद अनुवादो अवकल्पते। अभिज्ञाते गर्भे हन्यमाने कदाचित पुमान हन्येता, जब अभिज्ञात गर्भ को मारेंगे तो हो सकता है कि उसमें कभी पुम हो, आदि आदि संभावनाएं रहती हैं लगभग। तो चूंकि ये अविज्ञात गर्भ को मारने वाला भ्रूणहा इसलिए कहलाता है क्योंकि उसमें पुरुष की हत्या हो सकती है, पुरुष भी वहां पर हो सकता है, इसलिए उसको अज्ञात किया मतलब तो भ्रूणहा हो गया। अगर ज्ञात में करे तो दूसरे पक्ष में यहां कुछ ये तात्पर्य है पूर्व पक्षी का कि अगर पता है और स्त्री गर्भ की हत्या करते हैं तो उसको भ्रूणहा नहीं कहा जाएगा। जो ज्ञात होने पर पुरुष गर्भ की हत्या करता है वो भ्रूणहा है ही, और जो अविज्ञात भ्रूण की हत्या करता है उसको भी भ्रूणहा कहेंगे क्योंकि वहां पर पुरुष का पता नहीं, पुरुष हो सकता है, पुरुष हो सकता है भले ही नहीं पता है फिर भी उसको भ्रूणहा ही कहेंगे।
तो अविज्ञाते गर्भे हन्य माने कदाचित पुमान हन्यता तत्र यज्ञाधिकृतस्य हतत्वात् यज्ञ वधो भ्रूण हत्या स्यात्। तो यज्ञ के का जो के से जो अधिकृत है उसके यज्ञाधिकृतस्य मतलब पुरुषस्य उसके मारे जाने से भ्रूण हत्या यज्ञ वधो स्यात्। जो भ्रूण की हत्या है वो यज्ञ का वध करने वाला हो जाए, जो भ्रूण की हत्या है वो यज्ञ का हनन करने वाला हो जाए, क्योंकि यज्ञ में पुरुष ही अधिकृत है। यज्ञ में चूंकि पुरुष ही अधिकृत है इसलिए पुरुष भ्रूण की हत्या का मतलब है यज्ञ की हत्या। जैसे हम दूसरे ढंग से देखें कि कोई बहुत प्रतिभाशाली बच्चा पैदा होने वाला है, मान लीजिए राजा का पुत्र है, श्रेष्ठ राजा है, रानी भी श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ संतान होने वाली है और वो भावी राजा है, बहुत पराक्रमशील हो सकता है। अगर उस भ्रूण की हत्या कर दी तो यूं माना जाएगा इसने राजा की हत्या कर दी, क्योंकि भावी राजा की हत्या कर दी उसने, भावी वैज्ञानिक की हत्या कर दी, किसी बहुत श्रेष्ठ भावी ऋषि की हत्या कर दी, तो वो ऋषि की हत्या ही मानी जाएगी क्योंकि उसने ऐसा किया। बहुत दुर्लभ कोई वृक्ष हो, उसकी अंकुर हो रहा हो, तो यही कहा जाएगा इसने पूरे पेड़ को ही नष्ट कर दिया, क्योंकि वो भविष्य में वो पेड़ बनने वाला था, मूल में ही उसने नष्ट कर दिया उसको। आगे इतरथा ही उभयो हो अधिकार ततो विज्ञाते च अविज्ञाते च यज्ञ वधः स्यात्। तो ये कह रहा है पूर्व पक्षी कि यदि दोनों का ही अधिकार होता यज्ञ में, स्त्री और पुरुष का, तब तो फिर विज्ञात हो चाहे अविज्ञात हो, कोई भी भ्रूण की हत्या हो वो यज्ञ का वध कहा जाना चाहिए था। लेकिन हर किसी भ्रूण हत्या को, हर किसी गर्भ के पात को भ्रूण हत्या नहीं कहा जाता और यज्ञ का वध नहीं कहा जाता। तो इससे वो पूर्व पक्षी ये कहना चाहता है कि यज्ञ का वध तो तभी होगा जब पुरुष का हनन होगा। तो पुरुष का हनन होगा इससे, इसके लिए जो अविज्ञात कहा गया है इसी से पता लगता है कि केवल पुरुष को ही यज्ञ करने का अधिकार है। तत्र अविज्ञात ग्रहणम अतंत्रम इति कल्पेत। और अगर आप ये कहो कि केवल कि यदि आप ये कहो, सिद्धांति को कह रहा है पूर्व पक्षी कि यदि आप कहो कि स्त्री पुरुष दोनों को यज्ञ का अधिकार है, तब तो यहां पर ये जो अविज्ञात शब्द पढ़ा गया इस वाक्य में वो अतंत्र हो जाएगा, यानी व्यर्थ हो जाएगा, अनर्थक हो जाएगा, ये अनिष्ट आएगा, इसलिए पुरुष को ही यहां पर लेना चाहिए। तस्मात विवक्षिता पुल्लिंगस्य वाचिका विभक्ति रीति, इसलिए यहां जो पुल्लिंग की वाचिका विभक्ति है वो विवक्षित है, यानी स्वर्ग कामो यजेता, स्वर्ग काम में जो पुंस्त्व है वो विवक्षित है, यानी वो पुरुष ही होना चाहिए। तथा दूसरा उदाहरण दे रहा है पूर्व पक्षी, आत्रेयीं हत्वा भ्रूणहा भवति। आत्रेयी को, आत्रेयी कोई स्त्री है, उसको मार करके भ्रूणहा भवति, भ्रूण को हत्या करने वाला हो जाता है। अब आत्रेयी किसे कहते हैं, तो यूं आगे कहा इन्होंने, आत्रेयीं आपन्न गर्भाम आहु, जिसने गर्भ को प्राप्त किया यानी जो गर्भिणी हो गई है उसको आत्रेयी कहते हैं। तो मार तो रहा है वो उस गर्भवती महिला को, लेकिन कहा जा रहा है उसके लिए कि भ्रूण हा है, भ्रूण की हत्या करने वाला है, वहां पर भी कहा जा रहा है ऐसी। तो अत्र कुक्षौ अस्याः विद्यते इति आत्रेयी, आत्रेयी शब्द का ये निर्वचन कर रहे हैं कि अत्र, अत्र को विपरीत अल्पविराम में ले लीजिए, अत्र जो शब्द है उससे, अत्र, अत्र को खोला, कुक्षौ कुक्षी में, कोख में, गर्भ में, अस्याः विद्यते इसमें विद्यमान है, इसके कुक्षी में, इसके गर्भ में विद्यमान है इति आत्रेयी। अत्र का मतलब कुक्षी, और कुक्षी में रहने जिसके में कुक्षी में विद्यमान है कोई, उसको आत्रेयी कहा गया। तस्माद अभी पुंसो अधिकारो विद्यते, इससे भी पुल्लिंग का अधिकार होता है। जैसे कि यथा पशुम आलभेत, पशु का आलभन करे, या पशुम जो शब्द है उस पर केंद्रित है कि पुम पशु रेव आलभ्यते लिंग विशेष निर्देशात्। ये पीछे अधिकरण आ चुका है कि पशुम यहां पर जो है ये द्वितीय विभक्ति एक वचन है और ये पुल्लिंग में है, तो वहां पर पुरुष ही लिया जाता है, यानी लिंग भी और वचन भी एक ही पशु लिया जाता है। तो पुम पशु रेव आलभ्यते लिंग विशेष निर्देशात एवं इहापि द्रष्टव्यमिति, ऐसे यहां भी समझना चाहिए। दशपूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत, वचन की तो यहां कर बात उल्लेख नहीं किया इन्होंने, क्योंकि विषय तो लिंग का ही था,
एवं प्राप्ते ब्रूमः, ऐसा पूर्व पक्षी के द्वारा कहा जाने पर सिद्धांती इस बात को रख रहा है। आठवां सूत्र, जातिम तु बादरायणो अविशेषात तस्मात स्त्री अपि प्रतीयेत जात्यर्थस्य अविशिष्टत्वात्। तो बादरायण कहते हैं जातिम तु बादरायण, तू से तो पूर्व पक्ष को हटाया और जाति का यहां पर कथन समझना चाहिए। क्यों? अविशेषात, उसमें समानता होने से। स्त्री में कोई ऐसी विशेषता नहीं है कि जिसको यज्ञ का अधिकार ना दिया जाए, समानता है। क्या समानता है? कि स्वर्ग की इच्छा दोनों की है, पुरुष हो चाहे स्त्री हो, स्वर्ग की कामना तो सब हर कोई करता है। तो अविशेषा तस्मात स्त्री भी प्रतीयता, इसलिए स्त्री की भी प्रतीति यहां पर होनी चाहिए, स्वर्ग कामना से स्त्री का भी ग्रहण करना चाहिए। जात्यर्थ से अविशिष्टत्वात्, क्योंकि यहां पर जो अर्थ है वो जात्यर्थ है, जाति रूप अर्थ के सामान्य होने से। जब जाति रूप कथन होता है तो वो तो सामान्य रूप से होता है, वो पुरुष भी हो चाहे स्त्री भी हो। भाष्य देखिए, तू पक्ष पक्षम व्यावर्तयति, सूत्र में जो तू शब्द है पूर्व पक्ष को हटाने के लिए, नहीं तदस्ति पुंस एव अधिकारयति, केवल पुरुष का अधिकार हो ऐसी बात नहीं है। जातिम तु भगवान बादरायणो अधिकृताम मन्यते स्म, बादरायण ऋषि यहां पर जाति को अधिकृत मानते थे। पूर्व पक्षी कह रहा है आह कत्किम अयम स्वर्ग कामा इति जाति शब्द समधिगता। तो बादरायण के अनुसार जब यहां जाति का ग्रहण किया गया तो पूर्व पक्षी पूछ रहा है क्या ये स्वर्ग काम शब्द जो है ये क्या जातिवाची शब्द है? स्वर्ग कामा क्या ये जातिवाची शब्द है जिससे कि आप यहां पर जाति का ग्रहण कर रहे हो? जैसे कि जातिवाची शब्द क्या, मनुष्य, व्रीही, अश्व, गौ, ऐसे ये जातिवाची शब्द है। तो बोले क्या स्वर्ग काम कोई जातिवाची शब्द है जो आप जाति का ग्रहण कर रहे हो यहां पर? यानी पूर्व पक्षी का भाव तो यह है कि यहां जातिवाची शब्द नहीं है ये, आप किसको जातिवाची शब्द मान के यहां पर जाति को ला रहे हो? तो बोले किम अयम स्वर्ग काम है इति जातिगत जाति शब्द है समधिगत। सिद्धांत कहता है नेत्याह, नहीं। मतलब पूर्व पक्षी ने कहा कि क्या आपने स्वर्ग काम शब्द को जातिवाची समझ लिया है? जातिवाची ले रहे हो तो क्या आपने स्वर्ग काम शब्द को जातिवाची शब्द समझ लिया है? तो सिद्धांत कह रहे हैं नहीं। पूर्व पक्ष कथम तरही, फिर आपने कैसे ये कह दिया, जाति अर्थ कैसे ले लिया? तो सिद्धांति कहता है यौगिक, ये जो शब्द है ये यौगिक है। स्वर्गेच्छा योगे न वर्तते, स्वर्ग की इच्छा के योग से, योग के साथ में ये विद्यमान है। यानी जिस जिसको स्वर्ग की इच्छा है उस उसके साथ ये स्वर्ग काम शब्द लग जाएगा। तो योगी कह स्वर्गेच्छा योगे न वर्तते। पूर्व पक्षी कहता है केन तरह शब्द ने जाति रुकता या अधिकृता इति गम्यते। तो बोले ये जाति किस शब्द से कही गई है? स्वर्ग काम को तो आपने कह दिया कि ये जातिवाची नहीं है, तो यहां पर किस शब्द से आप जाति अर्थ ले रहे हो जो कि यहां पर अधिकृत समझी जाए? सिद्धांत कहता है नहीं वयम ब्रूमो जातिवचन यह शब्दों अधिकार का इति। हम ये नहीं कह रहे या जातिवाचक शब्द जो है कोई अधिकार को देने वाला है, ये अधिकृत कर रहा है, ऐसा हम नहीं कह रहे। किम तरही, फिर क्या कह रहे हैं आप? बोले स्वर्ग काम शब्दे न उभौ अपि स्त्री पुंसौ अधिक्रियेता इति। बोले स्वर्ग काम शब्द से स्त्री और पुरुष इन दोनों को अधिकृत किया जाता है, ऐसा हम कह रहे हैं। अतो न विवक्षितम पुल्लिंगम इति, इसलिए यहां पर पुल्लिंग विवक्षित नहीं है। पुल्लिंग को विवक्षित मानेंगे तो स्त्री नहीं आ सकती, और पुल्लिंग को यदि अविवक्षित मानेंगे तो इसी शब्द से पुम और स्त्री दोनों आ जाएंगे। ततो न विवक्षितम विवक्षितम पुल्लिंगम इति कुतः, हेतु क्या है? तो बोले अविशेषात, विशेष न होने से। खोल रहे हैं इसको, नहीं शक्नोति एषा विभक्ति स्वर्ग कामम लिंगेन विशिष्टम। बोले ये जो विभक्ति है, एषा विभक्ति मतलब ये विभक्ति यानी प्रथमा विभक्ति, ये स्वर्ग कामम, स्वर्ग काम शब्द को लिंग से विशेषित नहीं कर सकती। विभक्ति जो आई है यहां पर स्वर्ग कामो यजेता, प्रथमा विभक्ति का एक वचन आया, उस विभक्ति के लिए कह रहे हैं कि ये जो विभक्ति है ये स्वर्ग काम शब्द को लिंग से यानी पुम लिंग से विशेषित नहीं कर सकती है। विभक्ति जब आती है यानी विभक्ति का प्रत्यय आता है वो कई अर्थों को देता है, तो उसके अंदर लिंग भी आ जाता है, पर ये कह रहे हैं कि यहां ये इसको विशेषित नहीं कर सकती, लिंग को विशेषित नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती वो तो आगे बताएंगे। तो नहीं शक्नोति एषा विभक्ति स्वर्ग कामम, स्वर्ग कामम का मतलब है स्वर्ग कामम
शब्दम लिंगेन विशिष्टम कथम, तो बोले लक्षणत्वेन श्रवणात्। बोले यहां जो स्वर्गकाम शब्द है ये तो लक्षण के रूप में पढ़ा गया है, लक्षणत्वेन श्रवणात्। क्या लक्षण है? तो स्वर्ग कामो यस्य तमेशा लक्ष्यति शब्द, स्वर्ग है काम जिसका, जिसको स्वर्ग की कामना है उसको लक्षित कर रही है बस। स्वर्गे कामो यस्य, स्वर्ग में है कामना जिसकी, तमेशा लक्ष्यति शब्द, ये शब्द उसको लक्षित करता है। तेन लक्षणेन अधिकृतो यजेत इति शब्देन उच्यते, तो इस लक्षण से जो अधिकृत है, कौन अधिकृत है? कोई भी व्यक्ति है, वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, स्वर्ग की कामना जिसको है ऐसा जो भी लक्षित हो गया वो यजेत इस शब्द से कहा जाता है, वो इस यजन को करे। तच्च लक्षणम अविशिष्टम स्त्रियाम पुंसी च, और ये जो लक्षण है स्वर्ग की कामना वाला ये पुरुष और स्त्री में अविशिष्ट है यानी समान है। तस्मात् शब्देन उभावपि स्त्री पुंसौ अधिकृतौ इति गम्यते, इसलिए शब्द से स्त्री पुंस दोनों अधिकृत हैं ये समझा जाता है। तत्र केनाधिकारः स्त्रियां निवर्त्यते, और तो अब उल्टा पूर्व पक्षी से पूछ रहे हैं कि दोनों का ग्रहण होता है, आप यहां पर स्त्रियों का अधिकार हटा किस चीज से रहे हो? स्वर्ग कामो यजेत, इसमें इस वचन से स्त्रियों का अधिकार आप हटा किससे रहे हो? चलो आपने कहा कि भाई यहां पर पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग है तो पुरुष आ जाएगा, लेकिन स्त्रियों का अधिकार हटा कैसे रहे हो आप यहां पर, उसकी चर्चा चला रहे। तो तत्र केनाधिकार स्त्रियां निवर्त्यते, तो विभक्त्या इति चेत तन्ना, अगर पूर्व पक्षी कहे कि विभक्ति के कारण, क्योंकि यही तो उत्तर देगा वो और क्या देगा, विभक्ति के कारण से स्त्री का अधिकार हट रहा है क्योंकि वो पुंव विशिष्ट है। तो विभक्त्या इति चेत तन्ना, अकस्मात पुंवचनत्वात् स्त्री निवृत्तौ अशक्ति ही, इसके पुंवचन होने के कारण से, पुंवचन का मतलब है स्वर्ग कामः, ये पुंवचन है तो ये पुंस्तु को कह रहा है, तो चलो माना ये पुंस्तु को कह रहा है, तो फिर ये इसके स्त्री निवृत्तौ अशक्ति, अशक्ति स्त्री निवृत्तौ, इसको मिला लेना ऊपर रेखा शिरोरेखा को, कि स्त्री की निवृत्ति में इसकी अशक्ति है तो ये स्त्री को नहीं हटा सकता क्योंकि एक ही अर्थ को तो देगा, आप इससे पुंव विशिष्ट अर्थ कर ले रहे हो तो स्त्री विशिष्ट अर्थ को हटाने के लिए तो ये नहीं आ सकता है। ठीक है, पुरुष के लिए कहा जा रहा है, स्त्री को हटाया थोड़ा ना जा रहा है, और यदि आप इसको स्त्री के हटाने में लेते हो तो इसको पुंव विशिष्ट नहीं मान सकते आप, ये पुरुष को कहने के लिए, पुरुष का विधान करने के लिए नहीं मान सकते, या तो आप इसको पुरुष के विधान में मानो या स्त्रियों की निवृत्ति में मानो, एक ही चीज मान सकते हो, दो चीजें आप नहीं मान सकते, लेकिन हम ऐसा करते हैं, होता है वो, कैसे होता है वो देखो, उसका दोष बता रहे हैं साथ में। तो पुंवचनात् स्त्री निवृत्तौ अशक्ति ही, पुंसो विभक्त्या पुनर्वचनम अनर्थकम इति चेत न, पुंसो विभक्त्या, पुंसः पुंसो को इसको अलग कर लीजिए, मतलब पुल्लिंग की विभक्त्या विभक्ति के द्वारा यहां पर पुनर्वचनम, ये जो फिर से जो कथन है वो अनर्थक हो जाएगा अगर ऐसा कोई कहे तो, न नहीं, ऐसा नहीं है। पुनर्वचन कैसे मान रहे हैं कि यजेत में जब क्रियापद आ गया यजन करे, तो यजेत में कर्ता भी आ चुका है, यजेत यजन करे, कर्तृत्व आ गया ना उसमें, अब कर्तृत्व आ गया तो वो कर्तृत्व वहां विशिष्ट तो है नहीं क्रियापद में, वहां तो पुरुष भी हो सकता है स्त्री भी हो सकता है, यानी दोनों का ग्रहण है, या तीनों लगा लीजिए, स्त्री पुरुष नपुंसक, यानी तो दोनों का लगाइए, स्त्री और पुमान दोनों का चूंकि ग्रहण हो चुका है, तो ऐसा होने पर यहां पर जो पुरुष का कथन है ये व्यर्थ हो जाएगा। तो उन्होंने कहा पुंसो विभक्त्या पुनर्वचनम अनर्थकम इति चेत, बोले अगर आप यहां कहो कि ये कथन व्यर्थ है, पुरुष के लिए नहीं है, तो ये तो व्यर्थ हो जाएगा क्योंकि पुरुष की प्राप्ति तो पहले ही हो चुकी थी, लेकिन यह सार्थक कैसे हो रहा है कि यजेता से स्त्री पुरुष दोनों की प्राप्ति हो रही थी और स्वर्ग काम कह करके पुरुष की प्राप्ति कराई गई है, स्त्री का निषेध किया गया। पूर्व पक्षी किस रूप में देख रहा है, सिद्धे सती आरंभ हो नियमार्थ और नियम सूत्राणाम निषेधे तात्पर्य, ये स्त्रियों के निषेध के लिए कहा गया है, ऐसा वो देख रहा है। तो पुंसो विभक्त्या पुनर्वचनम अनर्थकमिति चेत न, ऐसा कहो तो ये बात ठीक नहीं है, क्यों? अनर्थक के भी स्त्री निवृत्ते रभाव, बोले ये अगर अनर्थक भी हो जाए
स्वर्ग काम है जो पुंसत्व है, वो अगर निरर्थक भी हो रहा है तो भी वो स्त्री की निवृत्ति तो नहीं कर सकता। स्त्री को कैसे हटाएगा? क्यों? परिसंख्यायाम स्वार्थ हानि परार्थ कल्पना प्राप्तवादश्च। क्योंकि आप ऐसा करोगे तो आप परिसंख्या विधि कर रहे हो, परिसंख्यान कर रहे हो, और परिसंख्यान में तीन दोष होते हैं, स्वार्थ की हानि जो कथन किया गया, यानी स्वर्ग काम पुरुष को कहना चाहिए था क्योंकि वहां पुल्लिंग है, विभक्ति पुल्लिंग में है, लेकिन वो अर्थ कहां निकल रहा है? स्त्री के निषेध में गया। तो यहां पर स्वार्थ की हानि, पुंसत्व के कथन की हानि हो रही है, एक बात। परार्थ कल्पना, दूसरी कल्पना करनी पड़ रही है स्त्री की। और प्राप्त बाधश्च, जो प्राप्त था पुरुष उसकी बाधा हो रही है, ये दोष दिखाया। अब लेकिन अगर ऐसा माने कि अगर आप पुंसत्व विशेष नहीं कर रहे हो तो ये तो व्यर्थ हो रहा है, तो न च अनर्थक्यम, बोले अनर्थकता भी नहीं है। क्यों नहीं है? निर्देशार्थत्वात्, इसके निर्देश वाला होने से। निर्देश का मतलब है लक्षणार्थत्वात, जो पीछे कहा गया, ये निर्देश कर रहा है कि कौन यजन करे जिसको स्वर्ग की कामना है, नहीं तो नहीं करें। तो न च अनर्थक्यम, पूर्ण विराम के बाद की जगह अल्प विराम ले लीजिए, न च अनर्थक्यम, ये जो बात है इसका हेतु दिया जा रहा है निर्देशार्थत्वात्, ये लक्षित करने के कारण से। तस्मात स्त्री अपि प्रतीयता जात्यर्थस्य अभिवक्षितत्वात्, तो यहां जात्यर्थस्य अविशिष्टत्वात्, हाँ, इसलिए स्त्री का भी यहां पर ज्ञान होगा, ग्रहण किया जाएगा, क्योंकि जाति के अर्थ के यहां पर समान होने से। ये जो जात्यर्थ है ये ऐसा है जैसे प्रवृत्ति निमित्त है, स्वर्ग में है कामना जिसकी, वो कोई भी हो सकता है। अब देखिए सामान्यतः हम जो इसका उत्तर देते हैं, क्या देते हैं? स्वर्ग कामः पुल्लिंग है, और ऐसे बहुत सारे अनभिन्न भिन्न विषयों के शब्द वेद के अंदर आते हैं जहां वो पुल्लिंग में होते हैं। इसका उत्तर क्या देते हैं हम? भाई यहां एक शिष्य भी हो सकता है, स्वर्ग कामश्च स्वर्ग कामाच इति स्वर्ग काम, एक शिष्य हो गया यहां पर, तो उमान शेष रह जाएगा, स्त्री हट जाएगा, एक रह गया, तो ऐसा भी हम मान सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा है ये कैसे पता लग रहा है? जैसे हम कई बार बोल देते हैं यहां पर जाति में एक वचन है, एक वचन देख के कोई एक ही को लेने लगे, सबको नहीं ले रहा है तो दोष आने लग रहा है, तो कहते कि नहीं यहां जाति में एक वचन है। अब जाति में एक वचन मानते हुए हम किसको? सबको ग्रहण कर लेते हैं, सबको ग्रहण कर लेते हैं, एक जाति के एक होते हुए भी उसमें बहुवचन भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन जाति एक ही होती है और एक शब्द है तो हम वहां पर सबका ग्रहण कर लेते हैं। तो बोले नहीं, हम तो यहां तो जाति में एक वचन है, तब जैसे वहां भी चर्चा चलेगी कि ये व्यक्ति में एक वचन है या जाति में एक वचन है, ये कैसे होगा? व्याकरण से केवल इतना ही तो पता लगेगा कि यहां पर जाति में भी एक वचन हो सकता है, तो दूसरा तत्काल हेतु देगा भाई व्यक्ति में भी तो एक वचन हो सकता है, हो सकता है, तो दोनों बराबर हो गए, दोनों ही संगत हैं। हाँ, इतना अवश्य है कि कोई एक वचन देख करके ये आग्रह कर रहा हो कि नहीं एक व्यक्ति का ही ग्रहण होगा, यहां पर अनेकों का ग्रहण हो ही नहीं सकता है, ऐसी स्थिति में कह सकते हैं नहीं जाति का भी ग्रहण हो सकता है। अब उसको हमने अनेकांतिक किया है, बस कि वो पहले एक ही पक्ष में जा रहा था, अब एक दूसरी संभावना और खड़ी कर दी कि एक भी हो सकता है और जाति में भी हो सकता है, और जाति में होते ही तो अनेकों का ग्रहण हो जाएगा। लेकिन कई बार हम यूं कह करके कि यहां जाति में एक वचन है, हम अपने पक्ष को सही मान करके बोलते हैं, नहीं जाति में एक वचन हो जाएगा मतलब जाति में एक वचन है ये मान करके हम बोलते हैं, तो केवल इससे इतना ही पता लगता है कि ये शब्द व्यक्ति को भी कह सकता है, एक व्यक्ति को और एक जाति को भी कह सकता है। लेकिन वहां व्यक्ति को कह रहा है या जाति को कह रहा है ये तो फिर और आगे विवेचना की बात होती है, क्योंकि दोनों पक्ष अपनी अपनी बात को कहेंगे, क्यों एक ही जाति को ही व्यक्ति को ही कह रहा है और क्यों जाति को ही कह रहा है, ऐसा का ऐसा यहां पर भी लगेगा कि यहां पर स्वर्ग कामना से केवल पुरुष का ही ग्रहण हो अथवा स्त्री का भी ग्रहण हो, क्यों नहीं यहां पर पुंसत्व विवक्षित है, क्यों यहां पर अविवक्षित माना जाए, यह चर्चा करनी जरूरी है। नहीं तो सामान्य रूप से यह भी बोल देते हैं, ये उत्तर दे देते तो बहुत आसान है, जाति में एक वचन है ऐसा मान लेंगे, ऐसा मान लेंगे। अब वो जो सारा इसी तरह से और भी जितना है व्यत्यय बहुलम है, जितना हम व्यत्यय करते हैं भाई, यहां पर ये व्यत्यय क्यों कर रहे हैं? पुरुष व्यत्यय है, वचन व्यत्यय है, लिंग विभक्ति व्यत्यय है, ये जो हम करते हैं
कि भाई ठीक है, इसका एक विधान है, ऐसा होता है, ऐसा देखा जाता है, शास्त्रों में ऐसा मिलता है, केवल इतना ही तो पता लगा है उससे। लेकिन यह कैसे निर्णय होगा कि यहां पर कौन सी विभक्ति है, किस विभक्ति की जगह कौन सी विभक्ति आई है, कौन सा वचन और कौन सा लिंग आया है, तो फिर से बात करनी पड़ेगी। ये इतने मात्र से सिद्ध नहीं हो जाता कि हम बस हमारे को एक भाई कुछ भी हो सकता है तो हम कुछ भी करने लगे, ये कुछ भी नहीं है। और नहीं व्याकरण इसकी स्वीकृति देता है कि आप उसको जो दिखाई दे आप कोई भी विभक्ति लगा लो, वहां पर कोई भी वचन और पुरुष लगा लो, जो मन में आए वो कर लो, मनमानी की बात नहीं कहता है व्याकरण। इसलिए व्यत्यो बहुलम आदि जो सूत्र में कहे गए और जिस पर कहते हैं तो मनमाने को कर देते हैं, वो मनमाना कह ही नहीं रहे हैं, वो गलत दोष लगा रहे हैं शास्त्र के ऊपर। मनमाने की बात थोड़ा है, वो एक बता रहे हैं कि हाँ ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी, कौन सा होगा उसके लिए तो आगे चर्चा करनी ही पड़ेगी। तो ऐसे ही यहां पर भी हुआ, तो तस्मात स्त्री अपि प्रतीयेत जात्यर्थ से अविवक्षितत्वाद, ये जो प्रवृत्ति निमित्त है उसे स्त्री का भी ग्रहण होगा। यहां जो स्वर्ग काम शब्द है इसमें केवल उसको लक्षित किया जा रहा है जिसको स्वर्ग की इच्छा है, नपुंसक की विवक्षा नहीं है। कैसे नहीं है वो फिर देखना है। दूसरा, सामान्यतया जो नामी की विभक्तियां होती है वो विधायिका नहीं होती है, जो आख्यात विभक्तियां होती हैं यानी आख्यात प्रत्यय होते हैं वो विधायक होते हैं, यानी क्रियापद में जो आता है वो विधि को करते हैं, क्रियापद के प्रत्यय विधि को करते हैं, ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए, ये जो है जो लिंग जो अपने कारक विभक्तियां हैं वो विधायिका नहीं होती है। दूसरा, हम पीछे देख चुके हैं कि उद्देश्य में लिंग विभक्ति वचन अविवक्षित होते हैं, उद्देश्य में मतलब अविवक्षित भी हो सकते हैं, जितने हैं उतने भी हो सकते हैं वहां पर और उसके अतिरिक्त भी हो सकते हैं, वहां हम विवक्षा का आग्रह नहीं कर सकते। लेकिन विधेय में जो विधि जहां पर की जा रही है उसमें तो लिंग विभक्ति वचन विवक्षित होते हैं, एक सामान्य नियम जो मीमांसा स्वीकार करता ही है और बहुत व्यापक प्रयोग करता है इसका। तो अब आप देखिए कि दशपूर्ण मासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेता, अब इसके अंदर स्वर्ग काम ये विधि है या उद्देश्य है? अगर विधि होती तो बिल्कुल विवक्षित होना होता है कि, और फिर वहां पर वचन भी लिंग भी और दोनों वचन भी विवक्षित होना चाहिए था, पर ये उद्देश्य है इसलिए यहां पर लिंग और वचन विवक्षित नहीं है, वो खुले हैं वहां पर, ये तो एक संस्कार करने के लिए पद को बनाने के लिए केवल प्रयोग किया गया है। आगे देखिए सिद्धांत इसका उत्तर देता है, चोदितत्वात् यथाश्रुति ही, बोले उसने पूर्व पक्षी ने जो पशुम आलभेता का कहा था वहां तो देखो विवक्षित था, पशुम आलभेता वहां पर लिंगत्व और वचनत्व, लिंग और वचन वहां पर विवक्षित थे, एक ही लेना है और पुम पशु ही लेना है, यहां क्यों नहीं है? तो चोदी तत्वात यथाश्रुति, जो वहां पर जैसा कहा गया है निर्देश है वहां तो ऐसा ही करना चाहिए, वहां विधि है। वो पूर्व पक्षी अपनी बात को कह रहा है, भूमिका भाष्यकार ने पूर्व पक्षी की बात को दो पंक्तियों में रखा, अतः उत्तम पशुम आलभेत इति पुम पशुर आलभ्यते, पुमान आलभेत इसमें पुरुष पशु का ही आलभन किया जाता है, पुल्लिंग वचन सामर्थ्यात, क्योंकि यहां पुल्लिंग कहा गया है इस सामर्थ्य से, एवं यहापि पुल्लिंग वचन सामर्थ्यात पुमान अधिक्रियते याग वचने न इति तत्परिहर्तव्यम्, यहां पर भी पुमान का ही ग्रहण हो गया, याग वचन के साथ उसी का ग्रहण होना चाहिए। ये जो हमने बात कही थी इसका निवारण कीजिए, अभी तो ये खड़ी भी है। इस पर सिद्धांत कह रहा त्रोच्यते नात्र जातिर द्रव्य से लक्षणत्व न श्रूयते, यहां पर ये जो जातिवाची शब्द है वो द्रव्य के लक्षण के रूप में नहीं सुना जा रहा है। देखिए इसमें किसमें पशुम आलभेता, इसमें जो पशु शब्द है पशु, और मीमांसा के अनुसार सभी शब्द जाति को कहते हैं, जाति में संगत न होते हुए वो व्यक्ति को कहते हैं, लेकिन प्रथम दृष्टया तो ये शब्द जाति को ही कहते हैं। तो ये जो जातिवाची शब्द है ये किसी द्रव्य के लक्षण के रूप में नहीं कही जा रही है,
पशुम आलभेत, कि जिसमें पशुत्व हो ऐसा कोई हो उसके लिए ये पशुम आलभेता नहीं कहा जा रहा है। न पशु तो पशु ही है बस, ये जो पशु शब्द जातिवाची है ये किसी के लक्षण के रूप में नहीं कहा जा रहा है, वो तो पशु तो बस पशु है। तो नात्र जातिर द्रव्य से लक्षणत्वेन श्रूयते, यदि ही लक्षणत्वेन श्रूयता, अगर ये पशु शब्द लक्षण के रूप में किसी व्यक्ति के लक्षण के रूप में सुना जाता, तथा स्त्री आपि याग उक्तो न पुंवचने न निवर्त्येता, तो फिर ऐसे होने पर तो स्त्री के लिए जो याग है वो कहा जाता हुआ भी पुंवचन से नहीं हटेगा, नहीं हट सकता। इदम तु पशुत्वम यागस्य विशेषणत्वेन श्रूयते, ये जो यहां पर पशुत्व है वो याग के विशेषण के रूप में पढ़ा गया है। तत्र पशुत्वस्य यागस्य च संबंध हो न द्रव्य यागयो, यहां पशुत्व और याग का संबंध है न कि द्रव्य और याग का। अगर ये पशुम आलभेत, किसी पशु द्रव्य को कहता और फिर वो द्रव्य का और याग का संबंध होता, ऐसा नहीं है। यहां पर पशुत्व का याग के साथ में संबंध किया गया है, न कि द्रव्य और याग का, द्रव्य मतलब वो व्यक्ति का। यथा पशुत्वम याग संबद्धम एवं पुंस्त्वम एकत्वम च, जैसा पशु याग से संबद्ध होता है इसी प्रकार से पुंस्त्व और एकत्व भी वहां पर जुड़ता है। सो अयम अनेक विशेषण विशिष्टो याग श्रूयते, ये याग जो है अनेक विशेषणों से युक्त है, यानी उसमें पशुत्व भी होना चाहिए, उसमें पुंस्त्व भी होना चाहिए, उसमें एकत्व भी होना चाहिए। स यथा श्रुति एव कर्तव्य, जैसी श्रुति है वैसा ही करना चाहिए। उपादेयत्वेन चोदितत्वात्, चूंकि ये उपादेय के रूप में यहाँ पर यानी विधेय है, विधि के रूप में कहा गया। पशुम आलभेत में एक द्वितीय विभक्ति भी है, और ये जो पशु आलभेत है इससे पता लगता है वो ये जो आलभन है ये पशु के लिए, पशु का आलभन करना है, पशु को आलभन करना है। तो यहां पर विधि कही गई है इसलिए यहां तो विवक्षित है, लेकिन स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग कामो यजेता, दशपूर्ण मासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेता, ये जो स्वर्ग काम है ये विधि नहीं है, विधि वाक्य नहीं, ये यहां पर उद्देश्य है इसलिए यहां पर विवक्षित नहीं है। इस आवागे पूर्व पक्षी कह रहा है, जो उसने कुछ पीछे बातें कही थी, बोले इनका समाधान करो फिर। यच्च दोष श्रुतिर विज्ञाते गर्भे हते, और वो जो हमने कहा था कि जो वचन मिलता है कि अविज्ञात गर्भ के हनन में दोष का कथन है, तो बोले अविज्ञात क्यों पढ़ावे, उसका उत्तर दो। और दूसरा कहा था आत्रेयाम च पुं युक्तत्वेन इति, और जो आत्रेयी है उसमें भी पुरुष से युक्त तो होता है तभी वहां पर वो माना जाता है, तो ऐसा क्यों, तत्परिहर्तव्यम, इसका समाधान कीजिए। सिद्धांति कह रहा त्रोच्यते अविज्ञातेन गर्भेण इति अनुवादा प्रशंसार्थः, ये जो कहा गया ना कि अविज्ञात गर्भ के गर्भेण, ये जो अविज्ञात शब्द का कथन किया गया ये प्रशंसा के लिए, गर्भ की प्रशंसा के लिए, कि गर्भ कोई भी हो तो भी उसका हनन भ्रूण हत्या कहलाएगा। ज्ञात होने पर तो है ही, इसका यह तात्पर्य नहीं है कि अज्ञात भ्रूण की, गर्भ की हत्या भ्रूण हत्या कहलाएगी और ज्ञात हो गया तो वो हत्या नहीं कहलाएगी, भ्रूण हत्या नहीं कहलाएगी, ये अर्थ नहीं है यहां पर। यहां पर है उसको, उसकी प्रशंसा में है कि अज्ञात भ्रूण की हत्या भी पाप है, पाप कृत्तम है, वो दोष माना जाएगा। अज्ञात का मतलब दो दृष्टियों से देख सकते हैं, एक तो यह है कि उसमें लिंग का पता नहीं है कि पुरुष पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, एक ये कि हमें यही नहीं पता है कि गर्भ है। अगर अज्ञानता में भी हमारे से गर्भ गिर जाता है, हम गिर देते हैं जो भी कोई हमारी ऐसी क्रिया होती है, तो वो पाप ही माना जाएगा। तो इसमें गर्भ की प्रशंसा की जा रही है कि आपने भूल चूक से भी अगर किया ना तो भी आप दंडनीय होंगे, उसकी महत्ता बताई जा रही है। नहीं तो किसी विषय में ऐसा नहीं हो कि जानबूझ के करो तो दोष है और बिना जाने करो तो दोष नहीं है, वो उसमें उस वस्तु की उसकी महत्ता को कम बताता है। मतलब कुछ भी हो, अनजाने में भी अगर, जैसे बोल देते हैं ना कई बार, भूल से भी कर बैठे ना तो देखना छोड़ूंगा नहीं, भूल से भी मेरा नाम मत ले देना, तो बहुत बड़ी बात हो गई है। एक होता है भी चलो भूल से ले दिया नाम, कोई बात नहीं है। तो ये उस गर्भ की प्रशंसा की जा रही है यहां पर। तो इन्होंने कहा कि अविज्ञातेन गर्भेण इति अनुवादः प्रशंसार्थः,
पहले का उत्तर दिया। दूसरे का क्या है, अत्रेयी च न हंतव्या इति, इत्थं गर्भो न हंतव्य। यहां पर जो कहा गया अत्रेयी न मारनी, अत्रेयी को मारना नहीं चाहिए, इसका क्या मतलब है कि गर्भ को नहीं मारना चाहिए, ये उसकी प्रशंसा की जा रही है। अब अत्रेयी ही क्यों कहा, विशेष नाम किया, भाई अगर उसको कहना होता तो सीधे कह देते महिला की हत्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन यह भी एक प्रशंसा के अंदर इस तरह की शैली होती है। अत्रेयी च न हंतव्या इति, इत्थं गर्भो न हंतव्या। कैसे, यद अव्यक्तेनापि एनस्वी भवति, कि जो अव्यक्त के अव्यक्त होते हुए भी वहां पर पाप वाला हो जाता है, पता नहीं हो तो भी वहां पर पाप वाला वो हो जाएगा। गर्भ के अस्तित्व का ज्ञान न होने पर भी यदि गर्भपात का वो कारण बनता है तो पापी हो जाएगा। यद अव्यक्तेनापि एनस्वी भवति, पुल्लिंग विभक्ति श्रूयमाणा न शक्नोति स्त्रियम निवर्तयितुम, ये जो स्वर्ग काम है मैं पुंभ विभक्ति है, ये सुनी जाती हुई भी, सुनी जाती हुई मतलब श्रुति से है, ये सुनी जाती हुई भी पुरुष को हटा नहीं सकती, इसको स्त्री को हटा नहीं सकती है। कि मंग पुनर अभिज्ञात गर्भवचनम लिंगम, बोले जिसका गर्भ का लिंग ही पता नहीं है उसकी तो बात ही छोड़ दो आप। यह है लिंगम मतलब अनुमानम, बोले जहां पर, तो ये क्या कह रहे हैं कि जहां पर लिंग कहा गया है वो भी स्त्री को नहीं हटा सकता, और जहां पर आप अनुमान कर रहे हो अभिज्ञात गर्भ, अभिज्ञात शब्द से आप अनुमान कर रहे हो कि स्त्री को हटा देगा, बोले वो अनुमित शब्द तो हटा ही नहीं सकता, ज्ञात शब्द भी नहीं हटा सकता, अज्ञात शब्द की तो बात ही छोड़ दो आप। अनुमान से जो आप ला रहे हो, परोक्ष रूप से अर्थ लेकर के आ रहे हो, प्रत्यक्ष श्रुति भी नहीं हटा पा रही है, तो जो आप अनुमान से श्रुति ला रहे हो, अनुमान से, अनुमान जो कर रहे हो लिंग से कर रहे हो, वो तो हटा ही नहीं सकता है। तत्र गोत्र प्रशंसार्थम आत्रेया अवध संकीर्तनम, यहां पर गोत्र की प्रशंसा के लिए आत्रेयी के अवध का न मारने का संकीर्तन किया गया, प्रशंसा की गई है। अब ये यहां कहना चाहते हैं कि ये आत्रेयी जो है ये गोत्र है, पूर्व पक्षी ने वहां पर किया गया था, अत्र का मतलब कुक्षी किया था, कुक्षी में जिसके है यानी गर्भ है उसको आत्रेयी कहा था, आत्रेयी गोत्र है और उसमें आत्रेयी जो है गोत्र के कारण, अत्रि गोत्र से संबंधित है, तो उसकी प्रशंसा के लिए यह कहा जा रहा है। न च आपन सत्वा आत्रेयी, जो केवल जिसने गर्भ को धारण किया है उसको आत्रेयी नहीं कहते हैं, वहां जो कथन जैसा पूर्व पक्षी ले रहा था, पूर्व पक्षी आपन सत्व को ले रहा था। अब देखिए यहां पर आपन सत्वा में सत्व शब्द किसका वाचक है, जीव का वाचक है ना। हम देखो पीछे देख करके आए थे 1598 जहां पर ये आ रहा था ना कि भाई यहां पर ये जो जड़ और चेतन की बात थी ना तिर्यक अधिकरण में, किम यावत किंचित सत्वम तत्सर्वम अधिकृत्य एतद उच्यते उत समर्थम अधिकृत्य इति। तो यत यावत किंचित सत्वम, यहां सत्व का मतलब जीव नहीं, नहीं केवल द्रव्य नहीं, जीव लिया गया है यहां पर, सत्व का मतलब, सत्व का मतलब द्रव्य भी होता है, लेकिन यहां पर अगर हम द्रव्य अर्थ लेते हैं तो वहां पर जो अचेतन का कहा गया था वृक्षादि का, तो उससे क्या निकल करके आएगा कि वृक्षादि में जीव नहीं होता है, मां भूत अचेतना नाम, वहां पर यह अलग अर्थ चला जाता है। लेकिन यदि हम यत किंचित सत्वम, सत्व का मतलब जीव ही ले लेते हैं, तो अब जितने उदाहरण दिए गए हैं वो जीव ही होंगे, चेतन ही होंगे, वो जड़ नहीं हो सकते, और चेतन होते हुए भी जब अचेतना नाम ये वृक्ष के लिए कहा गया, इसका मतलब है जिनका ज्ञान नहीं है, ज्ञान प्रकट नहीं है, ये अर्थ होगा, उससे उनकी निर्जीवता या जड़ता सिद्ध नहीं होगी, इसलिए सत्व का मतलब यहां पर जीव लिया जाता है, आपन सत्व। तो न च आपन सत्वा आत्री, आत्री केवल इतने मात्र से नहीं हो जाती, गोत्रम ही ये तत्, ये गोत्र है, नहीं अत्र शब्दाद अयम तद्धिता उत्पन्ना, और यहां पर अत्र शब्द से तद्धित ला करके आत्री नहीं बना हुआ है, क्यों, समर्था नाम ही तद्धिता उत्पत्त्यते, जो शब्द समर्थ होते हैं वही तद्धित से, उन्हीं से तद्धित उत्पन्न हो पाते हैं, समर्था नाम प्रथमाद्वा, न च अत्र शब्द से सामर्थ्यमस्ति, यहां अत्र शब्द का सामर्थ्य नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहां अत्र शब्द कुक्षी को बोल रहा है, अत्र शब्द कुक्षी को बोल रहा है, इसलिए इसका सामर्थ्य नहीं, युधिष्ठिर जी ने ऐसा लिखा है। अब इसके अंदर देखिए आत्रेयी जो है इसका एक अर्थ, इन्होंने और भी आगे अर्थ लिखे हैं, राप्ते कोश कोश में रजस्वला स्त्री को आत्रेयी कहा जाता है,
एक और इन्होंने ये वचन दिए हैं वो कई ग्रंथों के, ऋतुस्नाता रजस्वला, ऋतु स्नान कर चुकी है उस रजस्वला को आत्रेयी शब्द से कहा जाता है। तब देखिए उसमें भी अभी उसको गर्भधारण नहीं हुआ है लेकिन वो गर्भधारण में समर्थ है, गर्भधारण की स्थिति उसकी बन रही है, गर्भाशय की स्थिति, उसको भी अगर मारा जाए तो क्या कहा जाएगा, भ्रूण की हत्या करने वाला है। जैसे कि कहीं कोई वृक्ष या कोई चीज लगने वाली हो और जमीन को कोई नष्ट कर दे तो क्या माना कहा जाएगा, जमीन को नष्ट नहीं किया है उसने, उसको वृक्ष को नष्ट कर दिया है, जो यहां हो सकता था और आपने ऐसी जमीन कर दी कि आपने वृक्ष को ही नष्ट कर दिया। ऐसे ही यहां पर उस महिला के वध में भ्रूण की हत्या भी मानी जाएगी क्योंकि वहां वो होने वाला था, उसकी हत्या भी मानी जाएगी। आगे देखिए इसके ऊपर पूर्व पक्षी कहता है दसवें सूत्र में, द्रव्यवत्वातुपुंसाम स्यात् अल्पविराम, द्रव्य संयुक्तम अल्पविराम है ही यहां पर, क्रय विक्रयाभ्याम अद्रव्यत्वम स्त्रीणाम अल्पविराम, द्रव्य ही समान योगित्वात्। तो कहते हैं कि द्रव्य वाला होने से यज्ञ जो है वो द्रव्य वाले होते हैं इसलिए पुरुषों को ही यज्ञ करने का अधिकार है क्योंकि द्रव्य उन्हीं के पास होते हैं। द्रव्य संयुक्तम, द्रव्य संयुक्तम कर्म, कर्म जो होते हैं वो द्रव्य से जुड़ करके ही होते हैं, उसमें धन संपत्ति लगती है, साधन लगते हैं, तो जो द्रव्य वाले हैं उन्हीं पुरुषों का यहां पर अधिकार मानना चाहिए। और स्त्रियों का अद्रव्यवत्व है क्रय विक्रय अभ्याम, क्योंकि उनके संबंध में क्रय और विक्रय, खरीदना और बेचना ये प्रयोग देखे जाते हैं, इसलिए वो द्रव्य वाली नहीं हो सकती हैं, धन संपत्ति वाली महिलाएं नहीं हो सकती हैं, वो तो पुरुष ही होंगे। द्रव्य ही समान योगित्वात्, क्योंकि स्त्री को वहां पर द्रव्य के समान कथन किया गया है, जैसे और द्रव्यों का कथन है उन द्रव्यों के बीच में स्त्री का भी नाम आया है, यानी स्त्री भी एक द्रव्य हो गई। आजकल भी बहुत प्रचलित है कि स्त्री को एक वस्तु मानते हैं, उस तरह से कि स्त्री को भी वस्तु माना है, जब स्त्री स्वयं वस्तु है तो वो वस्तु वाली नहीं हो सकती, वो तो स्वयं वस्तु है इसलिए उसको यज्ञ करने का अधिकार नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी बोल रहा है। भाष्य देखिए, पुंसाम तु स्यात् अधिकार है द्रव्यवत्वात्, केवल पुरुषों को यज्ञ करने का अधिकार है, क्यों, क्योंकि वो द्रव्य वाले होते हैं, साधन वाले होते हैं। द्रव्यवंतो ही पुमांसो न स्त्रियः, कि पुरुष ही द्रव्य वाले होते हैं, स्त्रियों के पास तो द्रव्य होता ही नहीं है, क्यों नहीं होता है, उस बात को पूर्व पक्षी हेतु के रूप हेतु पूर्वक आगे रखेगा। बोले द्रव्य संयुक्तम चैतत कर्म, ये जो कर्म है यानी याग आदि हैं ये तो द्रव्य से युक्त हैं। वचन दे रहा है व्रीही भी यजेता यवई यजेता, तो व्रीही और यव आदि इन द्रव्यों का प्रयोग होगा तभी यजन कर सकता है। सिद्धांति पूछता है कथम अद्रव्यतम स्त्री नाम, ऐसा कैसे कह रहे हो कि स्त्रियों के पास द्रव्य नहीं होता है, साधन नहीं होते हैं? तो कहते हैं क्रय विक्रय आभ्याम, क्रय और विक्रय का पाठ कथन शास्त्र के वचनों में देखा जाने से क्या होता है। बोले क्रय विक्रय संयुक्ता ही स्त्रिय संयुक्ता बिंदी, कि क्रय और विक्रय से स्त्रियां संयुक्त होती हैं, उनका क्रय और विक्रय सुना जाता है। किनके द्वारा, पित्रा विक्रियते भर्त्रा क्रियते, पिता के द्वारा बेची जाती है और पति के द्वारा खरीदी जाती है। आजकल भी कुछ जगह ऐसा होता है, अभी जैसे विवाह के समय धन का लेन देन होता है, इधर तो उत्तर भारत में अधिकतर क्या चल रहा है कि लड़के वाले लड़की वाले से पैसा लेते हैं कि आपकी लड़की ले रहे हैं तो लड़की को खाने पीने के लिए भी दीजिए, उसको लेकर के हम आप पे कृपा कर रहे हैं तो आप दीजिए इसके साथ में, जो भी सोच है जो भी प्रचलन हुआ। लेकिन कुछ जगह पे आज भी भारत में बहुत जगह पे, और मेरे ख्याल से शायद दक्षिण अफ्रीका वगैरह में भी बहुत कई जगह ऐसा माना जाता है, सुना जाता है कबीलों में, वहां तो खैर स्त्री सत्तात्मक परिवार भी हैं, वो पुरुष तो सेवक के रूप में रहते हैं, मुखिया स्त्री होती है, अपने यहां जैसे पुरुष है भी, और मेघालय और इधर भी कई जगह पे माना जाता है, तो वहां पर लड़के वाला लड़की वाले को पैसा देता है कि आपकी कन्या दे दो हमारे को हमारे घर के लिए। वो जो लड़का होता है विवाह वर, वो वधू के पिता को पैसा देता है
तब वो लेता है। तो ऐसे में चूंकि पैसे का लेन देन हुआ है या वस्तुओं का लेन देन हुआ है, तो इसलिए बोले कि पिता तो बेचता है और पति खरीदता है उसको, तो जिसका जो खरीदी और बेची जा रही हो उसका स्वामित्व नहीं होता है। तो पित्रा विक्रियंते भर्त्रा क्रियंते, विक्री तत्वाच पितृधनानाम अनिशिन्यः, चूंकि वो बेची जा चुकी है इसलिए पिता के धन की स्वामिनी नहीं हो सकती। वो बेचने से पहले भले ही हो पिता के धन की स्वामी, बेची जा चुकी है या बेची जाने वाली है तो पिता के धन की स्वामिनी तो हो नहीं सकती है। और कृतत्वाच भर्तृधनानाम, और चूंकि उसको खरीदा गया है इसलिए पति के धन की स्वामी भी नहीं हो सकती है, क्योंकि उसको तो धन दे करके खरीदा है, इसका तो पति का धन परिवार का जो है। विक्रयो ही श्रूयते, और देखो इनका विक्रय सुना जाता है, शब्द प्रमाण दे रहे हैं कि शतम अधिरथम दुहित्री मते दत्यात्, जो पुत्री वाला है यानी वधु का लड़की का पिता, उसको एक रथ के साथ साथ 100 पशु दे, 100 गायें दे, 100 गाय दे और साथ में एक रथ भी दे, तब वो अपने तब उससे वो लड़की को ले पाता है वर। और आर्षे गो मिथुनम, जो आर्ष विवाह होते हैं उसमें गो मिथुन का मतलब हुआ बैलों का जोड़ा, जो कि खेती करते हैं ना उसमें दो दो जो होते हैं, तो वो दो जोड़े भी होते हैं एक जोड़े भी हैं, यहां तो इन्होंने एक जोड़े का लिखा है। मनुस्मृति में आते हैं ना ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह है, प्राजापत्य विवाह, फिर गंधर्व, पैशाच, आसुर, राक्षस, ये जो 8 प्रकार के विवाह वहां पर माने गए हैं उसमें एक आर्ष विवाह भी है। तो आर्ष विवाह क्या होता है कि एक जोड़ी बैल या दो जोड़ी बैल वो देते हैं, वो वर अपने ससुर को देता है, कन्या के पिता को देता है। तो बोले देखो ये विक्रय विक्रय की बात लिख रखी है, वो दे करके खरीदता है वो। न चैत दृष्टार्थे सती आन 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 मने अतिष्ठार्थम भवितुम अर्हति, आनमन में दृष्टार्थ होने के कारण से, आनमन मतलब झुकाना, अनुकूल बनाना, भाई इतना ले लो तो वो तैयार हो जाता है देने के लिए। तो ये जो है आनमन में दृष्टार्थ होने पर न अतिष्ठार्थम भवितुम अर्हति, ये अधिष्ठ के लिए तो हो नहीं सकता है, तो दृष्टार्थता ही है, तो क्रय विक्रय को सिद्ध कर रहा है। एवं द्रव्ये समान योगित्वम स्त्रीणाम, इसलिए द्रव्यों के समान होने से स्त्रियों को यज्ञ का अधिकार नहीं है। जैसे वस्तुएं, जैसे गाय बैल आदि पशु बेचे जाते हैं खरीदे जाते हैं, ऐसे स्त्रियां भी दी जाती हैं, तो इसलिए समान ही होनी है। पुरुष के लिए तो नहीं कहा जाता ना, पुरुष के लिए ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, है? नहीं, गुलाम में तो होता है, ये जो आजकल हो रहा है, आजकल जो इसके लिए भी तो लोग कहते हैं ना कि भाई इसमें वो स्त्री को बेच नहीं रहे, स्त्री तो धन लेकर के आ रही है, ये अपने को बेचना हुआ, पुरुष अपने को बेचता है। आजकल का जो दहेज है उसके लिए भी कहते हैं ना कि बिक गए आप तो पैसे के लिए, और आपको पैसे से मतलब है, आपको लड़की से क्या मतलब है, पैसा ही आपके लिए मुख्य है, पैसे के लिए, पैसे से आपको खरीद लिया और आपको लड़की आपके यहां पहुंच गई। पूर्व पक्षी और कहता है तथा च अन्यार्थ दर्शनम, बोले ऐसी इसी से संबंधित और भी बातें देखी जाती हैं। तो या पत्या क्रीता सती अथ अन्यश्चरती क्रीतताम दर्शयती, ये इसमें दोष दिखाया जा रहा है कि जो पति के द्वारा खरीद गई होते हुए भी अन्य पुरुषों के साथ में चली जाती है या जाती है, वो दोष की भागिनी है। क्यों भागिनी है दोष की? क्योंकि वो पति के द्वारा खरीदी गई है, यानी उसकी संपत्ति होगी, तो जिसने खरीदा है उसी के पास रहनी चाहिए, दूसरे के पास नहीं जानी चाहिए, इस अर्थ में। तो इसको जो दोष का तरीका बताया गया इससे वो कहना चाहता है कि ये खरीदी हुई है, स्त्री खरीदी हुई है, पत्नी। तो या पत्या क्रीता सती अथा अन्य चरती इति क्रीतताम दर्शयति, इसे क्रय को पता लग, क्रय का पता लगता है। पूर्व पक्षी से सिद्धांती कहता है आह यद अनया भक्तोत्सर्पणेन वा कर्तनेन वा धनम उपार्जितम तेन यक्षते इति। सिद्धांत कह रहा है कि जो इसके द्वारा यानी स्त्री के द्वारा भोजन बना करके दूसरों को दे करके और सूत आदि कात करके कपड़े बुन करके जो धन उपार्जित किया गया है उससे यजन कर लेगी। चलो आपकी अभ्युपगम से मान लें कि पति
का धन भी उसका नहीं है और पिता का धन भी अब उसका नहीं रहा, तो वो खुद अगर कमा लेती है तो वो तो धन उसका माना जाएगा, तब तो यजन कर सकती है, तो यजन का अधिकार तो फिर भी बन ही सकता है, स्वयं कमा रही है तो कमा रही है तो उसको स्वामी नहीं है, वो कर सकती है। आपका यही तो शर्त थी कि जो स्वामित्व हो जिसका, द्रव्य वाला हो जो, तो द्रव्य वाली है। तो इस पर सिद्ध पूर्व पक्षी कह रहा है उच्चते तादर्थ्यात् कर्म तादर्थ्यम, जो दूसरे के लिए कर्म किया जाता है वो दूसरे के लिए होता है। बोले पत्नी खरीदी हुई है, वो तो वो कुछ भी करेगी तो किसके लिए होगा, पुरुष के लिए होगा। ऐसा पूर्व पक्षी दे रहा है। तो बोले तदपि अस्या न स्वम, वो जो ये काम किया गया वो उसका भी महिला का नहीं माना जाएगा। पूर्व पक्षी तर्क दे रहा है, यदा ही सा अन्यस्य स्वभूता, जब वो खुद दूसरे की संपत्ति है, स्वभूत है, धन रूप है, तो तदा तत्तदीयम तदपि, तदा यत्तदीयम तदपि तस्यैव, जो उसका अपना है उस स्त्री का वो भी उसी का ही है, उसी पुरुष का यानी पति का है। अपि च और कहा स्वामिनस्तया कर्म कर्तव्यम, तया स्वामिनः कर्म कर्तव्यम, उसको स्वामी के लिए कर्म, स्वामी के कर्मों को करना होता है क्योंकि वो खरीदी भी है। न तत्परित्यज्य स्वकर्म अर्हति कर्मार्हति कर्मार्हति कर्तुम, वो उसको छोड़ करके अपने आप कुछ कर्म ही नहीं कर सकती, उसका अपना अधिकार ही नहीं है। यत तया अन्येन प्रकारेण उपार्जते तत्पत्युरेव स्वं भवितुम अर्हति, और जो उसके द्वारा अन्य कुछ अन्य प्रकार से धन कमाया भी जाता है तो पति का ही होता है। एवं स्मरंती, देखो ऐसा स्मृतियों में भी कहा गया है, तो साक्षात तो नहीं, नीचे युधिष्ठिर जी ने लिखा है, मनुस्मृति में इस तरह का एक श्लोक मिल रहा है, हालांकि प्रक्षिप्त है ये, पर पूर्व पक्षी अपनी बात को रख रहा है। भार्या दासश्च पुत्रश्च निर्धना सर्व एवते, तो पत्नी दास और पुत्र ये तीनों की तीनों सदा निर्धन रहते हैं, पुत्र को भी देखो निर्धन का है, क्यों, यत्ते समधिगच्छन्ति यस्यते तस्य तद्धनम्, ये जिसको प्राप्त होते हैं वो जिसके होते हैं उसी का उनका धन होता है, वो जिसके होते हैं उसी का वो धन कहलाता है। इस पर सिद्धांति कहता है अब 13वां सूत्र, फलोत्साह अविशेषातु, बोले फल के प्रति जो उत्साह होता है उसके सामान्य होने से, समान होने से, अविशेष होने से स्त्रियों को भी धन यज्ञ का अधिकार है। तो तू पक्ष, तू शब्द है पक्षम व्यावर्तयति, न चेतेद अस्ति निर्धना स्त्री थी, ये ठीक नहीं है कि स्त्री धन से रहित होती है, द्रव्यपति ही सा, वो द्रव्य वाली ही होती है। कैसे, फलोत्साह अविशेषात, फल के उत्साह के अविशेष होने से, स्मृति प्रमाण्या स्त्री नहीं, स्मृति प्रमाण्यात अस्वया तया भवितव्यम फलार्थिन्यापि, बोले स्मृति के प्रमाण से उसका अस्वया भवितव्यम मतलब बिना धन वाला हुआ जाना चाहिए, अगर स्मृति को प्रमाण माने, लेकिन फलार्थिन्यापि, लेकिन वो फल की इच्छा वाली भी है, ये भी हमारे को पता लगता है। और श्रुति विशेषात फलार्थिन्या यष्टव्यम, और श्रुति के विशेष से, श्रुति के कथन से पता लगता है कि जो फलार्थी है उसको यजन करना चाहिए। यदि स्मृतिम अनुरुध्यमाना परवशा निर्धना च स्यात् यजेते इत्युक्ते सती न यजेत, अगर स्मृति के अनुसार चला जाए, स्मृति के अनुसार माना जाए, उसको प्रमाण माना जाए, तो परवशा दूसरे के अधीन होती हुई वो निर्धन हो जाएगी, और यजेते इत्युक्ते सती, और यजेत ये कथन होने पर भी वो यजन न करेगी अगर ऐसा हो तो। लेकिन तत्र स्मृत्या श्रुतिर बाध्यता, अगर आप ऐसा मानोगे तो स्मृति के द्वारा श्रुति का बाध हो जाएगा, न चेतत न्यायम, ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि श्रुति तो ये कहती है कि जो भी इस कामना वाला है वो यजन कर सकता है। तस्मात फलार्थिनी सती स्मृतिम अप्रमाणीकृत्य द्रव्यम परिगृहणीयात यजेत च इति, इसलिए फलार्थिनी होती हुई, फल की कामना वाली होती हुई ये स्त्री, महिला, पत्नी, स्मृति के प्रमाण को हटाते हुए, अप्रमाणित करते हुए, नहीं स्वीकार्य है ऐसा प्रमाण, और द्रव्य को ग्रहण करे और यजेत चेती, और यजन भी करे, क्योंकि श्रुति बलवती होती है, ऐसी स्मृति काम नहीं करेगी। अब बोले फिर ये पढ़ा क्यों गया है अभी शास्त्रों के अंदर, स्मृति में भी क्यों पढ़ा गया इस तरह के वचन। 14वां सूत्र देखिए, अर्थे न च समवेतत्वात्, अर्थ से समवेत होने के कारण से, अर्थ के साथ उसका संयोग होने के कारण से। कैसे, स्मृति शास्त्र भी कहता है कि अर्थेन च अस्य समवेतत्वं भवति, अर्थ के साथ में इसको भी जोड़ा जाता है पत्नी को,
एवं दान काले संवादः क्रियते, दान के समय में ये संवाद किया जाता है, कन्यादान के समय, विवाह के समय ये वचन बोले जाते हैं। क्या वचन है? विपरीत अल्प विराम में लीजिए, धर्मे चार्थे च कामे च नाति चरितव्ययेति, बंद कर लीजिए यहां पर, कि धर्म में और अर्थ में और काम में ये अतिक्रमण के योग्य नहीं है, इसका अतिचार नहीं करना चाहिए, इसका अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, न करने योग्य है, यानी इसका इसको साथ में लेके चलना चाहिए, धर्म अर्थ और काम तीन के अंदर, मोक्ष में नहीं। धर्म अर्थ काम में तो पत्नी को साथ में ही लेकर के चलना चाहिए, ये ऐसी है, मुक्ति में छोड़ दो तो छोड़ दो, कोई मुक्ति के लिए जा रहे हो तो वहां दोष नहीं है, इन तीन में तो आप छोड़ नहीं सकते उसको। और ये कौन कहता है? ये वधु का पिता बोलता है, वर को बोलता है कि ये ऐसे छोड़ने योग्य नहीं है, यानी इसको आपको तीन तीनों चीजों में साथ में रखना पड़ेगा, जो भी धर्म करेंगे, जो भी आप धन कमाएंगे और जो भी आप संसार की वस्तुओं का उपभोग करेंगे, धर्म अर्थ काम, उसमें ये छोड़ने योग्य नहीं है। और उसमें वहां पर प्रत्युत्तर में वो वर बोलता है, नाति चरामी, मैं इसका उल्लंघन नहीं करूंगा, मैं स्वीकार करूंगा, ये वचनबद्धता है, विवाह के लिए ये होना आवश्यक है, ये अनुबंध है, प्रतिबंध है दोनों के लिए, तभी तो इतना बड़ा संबंध बनता है, ये नहीं है तो फिर क्या संबंध हुआ? उसका दायित्व होता है। आगे यत्तु उच्यते भार्यादयो निर्धना इति, बोले जो आप कह रहे हो कि पत्नियां जो होती हैं वो निर्धन होती हैं, तो स्मर्यमाणम अपि निर्धनत्वम अन्यायम एव श्रुति विरोधात्, ये जो सुना जाता हुआ अभी स्मृतियों में जो निर्धनत्व सुना जा रहा है वो अन्यायी है, क्योंकि श्रुति से उसका विरोध आ रहा है। अब देखिए महर्षि दयानंद ने तो यही तो बात कही थी कि अगर स्मृति श्रुति से विरुद्ध है तो स्वीकार्य नहीं है, गलत भी तो हो जाती है, वो ऋषिकृत है या तो मनुष्यकृत है, वो चीज स्वीकार्य नहीं होगी, श्रुति से विरुद्ध है। तस्माद अस्वातंत्र्यम अनेन प्रकारेण उच्यते, इसके द्वारा ये जो कथन किया गया कि उसका अपना धन नहीं होता, उससे केवल क्या कहा जा रहा है, उसकी अस्वतंत्रता कही जा रही है, वो अकेले ऐसे स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकती, अधिकार तो है उसका लेकिन उसकी अस्वतंत्रता कि उसको जिस परिवार में वो गई है और वो अपने हिसाब से कुछ भी करते हैं, उसकी अस्वतंत्रता को रोका जा रहा है, बाकी स्वामित्व तो है उसका। संव्यवहार प्रसिद्ध्यर्थम, जो आपसी व्यवहार है परिवार का उसको ठीक रखने के लिए यह कथन किया गया, उसका स्वामित्व नहीं गया है, उसमें खर्च करने की भी, मेरा स्वामित्व है तो मेरे को खर्च करने की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, वैसे तो पति पत्नी को दोनों को मिलकर ही करना चाहिए आपस में, क्योंकि आगे आता भी है पुण्य में दोनों का अधिकार है, आधा आधा जो कुछ भी प्राप्त हुआ उसमें दोनों का बराबर का अधिकार है, यज्ञ में भी है, तो ऐसे ही कमाने में भी है, दोनों का आधा आधा अधिकार स्वीकार्य है, लेकिन फिर भी व्यवहार की दृष्टि से पुरुष सत्तात्मक है, तो पुरुष की प्रधानता है, तो एक निर्णय मिल करके होता है तो एक का कई बार मानना होता है, दोनों के निर्णय से तो बात नहीं चलती है, उस दृष्टि से यह कथन है। पंद्रवा सूत्र, और जो पूर्व पक्षी ने जो ये कहा था कि इनका क्रय विक्रय देखा जाता है, तो सिद्धांति कह रहा है क्रय से धर्म मात्रत्वात्, क्रय से धर्म मात्रत्व, ये जो क्रय है ये तो केवल धर्म मात्र के लिए है, एक संस्कार मात्र के लिए है कि इस तरह से कथन किया जाता है, वास्तव में वो क्रय है नहीं, यत्तु क्रय श्रूयते धर्म मात्रम तु तत्, वो केवल लाक्षणिक है, नासु क्रय इति, ये वास्तव में क्रय है ही नहीं, ये जो धन का कहा कि भाई एक जोड़ा बैल दे दिया या 100 गायें और एक रथ दे दिया, ये क्रय है ही नहीं, विक्रय है ही नहीं, क्यों? क्रयो ही उच्च नीच पण्यपणो भवति, जो क्रय है वो ऊंचे और नीचे पड़ने वाला होता है, पण्यपणो भवति, जो लेन देन है वो ऊंचा नीचा होता है, कि वस्तु को देख करके भाव ऊंचे नीचे होते हैं, वस्तु को देख के भाव ऊंचे नीचे होते हैं अगर क्रय होता है तो, लेकिन यहां पर नियम तो नियतम तो इदम दानम, बोले यहां तो नियत कर रखा है, शतम अधिरतम शोभनाम अशोभनाम च कन्याम प्रति, कन्या शोभित हो चाहे अशोभित हो, बहुत अच्छी हो या सामान्य हो, उन सबके लिए समान रूप से कथन किया गया है, इससे पता लगता है कि क्रय तो है नहीं और विक्रय तो है नहीं, क्रय विक्रय होता तो कम ज्यादा होना चाहिए था, ये कौन सा क्रय विक्रय हुआ कि कैसा भी हो सब बराबर है, इसलिए क्रय विक्रय तो नहीं है। स्मार्तम च श्रुति विरुद्धम विक्रयम नानुमंस्यते, और जो श्रुति से विरुद्ध स्मार्त शब्द है
वो विक्रय को सिद्ध नहीं कर पाएगा। नानुमन्यन्ते, ये जो श्रुति विरुद्ध स्मार्त कथन है विक्रय का, उसको शास्त्र में आचार्य लोग स्वीकार नहीं करते हैं, वो विरुद्ध है। तस्मात अविक्रयो अयम इति, इसलिए इसका अविक्रय होता है, बेचा नहीं जाता है। ये 16वें सूत्र में भी सिद्धांति बोलता है, स्ववत्ताम अपि दर्शयति, उसकी स्ववत्ता यानी उसके स्वामित्व को भी वहां पर कहा गया है। शास्त्र के वचन बता रहे हैं कि स्त्री का उस परिवार में स्वामित्व होता है जिस परिवार में वो विवाह होकर के गई है, उसका स्वामित्व होता है। पत्नी वही पारिणयस्य इष्टे, पारिणयस्य इष्टे अल्प विराम, जो विवाह के समय लिए चीजें प्राप्त होती हैं उसकी स्वामिनी पत्नी होती है। विवाह के समय जैसे आज दहेज भी जो दिया जाता है, दहेज भी दिया जाता है, तो शास्त्र के अनुसार उसकी स्वामिनी कौन होगी? पत्नी होगी। विवाह के समय जो कुछ भी मिला है उसकी स्वामिनी पत्नी होगी, पति नहीं होगा। उसको स्त्री धन के नाम से कहा जाता है आजकल, और न्यायालय में भी होता है। कई बार क्या होता है कि विवाह करके मान लो दहेज लेके आए और फिर उस धन का उपयोग परिवार वाले करते हैं, अथवा तो कई बार यूं भी होता है भी उससे फिर बेटी की शादी करते हैं, वो अपनी बेटी की उधर से लेते हैं और इधर होता है। तो वहां नियम क्या है कि अगर वहां से आया है कुछ, उस पत्नी का माना जाएगा, उसका धन माना जाएगा। वो जो जैसे आभूषण आते हैं, जेवर आते हैं, उसमें कई बार विवाद भी होता है, बोले ये तो मेरे परिवार से आई भी है, बोले माता पिता ने मेरे लिए दी है, ये वहां का मेरा हिस्सा था, वो उन्होंने मेरे को इस रूप में दिया है, ये दूसरी जगह कैसे जा रहा है। पति उसका प्रयोग अपने व्यक्तिगत काम में ऐसा ले ले, परिवार के लिए हो वहां तक तो ठीक है, अथवा अपनी ननद के लिए या और किसी के लिए प्रयोग हो जाए। और पति सास ससुर भी कई बार ले लेते हैं, सास ले लेती है और वो अपने पास रखती है, जो भी हो उसके पास में, बहू के पास में वो धन नहीं रहता है। तो इसमें क्या है कि जो विवाह के समय जो चीज प्राप्त होती है वो उसमें पत्नी का अधिकार होता है। पत्यैव, पत्या एव गतम अनुमतम क्रियते, तो पति से जो भी प्राप्त द्रव्य होता है वो स्त्री के द्वारा अनुमत स्वीकार किया जाता है, उसमें स्त्री का भी अधिकार होता है। एक ये हो गया। दूसरा आगे कहते हैं, तथा जाघन्या पत्नी संयाज यंती, पत्नी संयाज जो करते हैं वो जाघनी से, पूछ होती जो है उससे वो करते हैं, और भसत वीरिया ही पत्नियः, पत्नियां जो होती हैं वो जघन या कटि प्रदेश प्रदेश के बल वाली होती हैं। भसदा वा एता परिगृहाणाम ऐश्वर्यम अवरुंधते, ऐश्वर्यम म कर लीजिए, ऐश्वर्यम अवरुंधते इति, और इसकी बलवत्ता के कारण ही वहां पर वो ऐश्वर्य को प्राप्त करती हैं, यानी ऐश्वर्य को से युक्त होती हैं, यानी उनका ऐश्वर्य स्वामित्व वहां पर दिखाया गया है। तो इस प्रकार से वो द्रव्य वाली होती हैं तो वो भी याज कर यजन कर सकती हैं। तो क्रतुषु स्त्री आपी अधिकाराधिकरणम, तो इससे इन्होंने ये सिद्ध किया कि स्त्रियों को भी याग का अधिकार है। इसके ऊपर युधिष्ठिर जी ने आगे लिखा भी है कि कैसे कैसे था, और पहले तो स्त्री पुरुष दोनों की समता थी, और आगे चल करके हमारे समाज के अंदर पुरुष की प्रधानता हो गई, स्त्री की न्यूनता हो गई, यानी उसको नीचे कम करके आंका जाने लगा। नहीं तो पहले पुत्र और पुत्री में कोई भेद नहीं था, उस सबकी इन्होंने वर्णन किया है, और बल्कि पुष्टि में कहा है कुछ चीजें, और फिर महर्षि दयानंद का भी लिखा है कि उन्होंने इस बात को समाज में आकर के प्रचारित किया, प्रयास किया कि स्त्रियों को भी समान अधिकार मिलना चाहिए। और आज तो शिक्षा के कारण, आधुनिक शिक्षा के कारण भी वो प्रवृत्ति है, उसकी तरफ विकास ही हो रहा है, जिसको हम मैकाले की शिक्षा बोलते हैं, निंदित करते हैं, ठीक है, दोष भी हो सकते हैं लेकिन गुण भी हैं कुछ, लेकिन आजकल का जो परिवेश है उसमें अधिक अधिक समानता बढ़ती जा रही है। यदि भी दुरुपयोग उसका भी होता है, दुरुपयोग भी हो जाता है कि कई बार बेटियां उनको दहेज पूरा दे दिया जाता है, खूब अच्छी तरह कर देते हैं, और फिर बाद में जो घर बसता है वो भाई है, भाई के लिए वो घर है, बाद में वो घर के जेवर वगैरह काफी कुछ दे दिए, भाई के हिस्से में घर आ रहा है, पर कई बार बेटियां फिर उसमें भी अपना अधिकार जताने लगती हैं। आजकल नियम होगा कि नहीं इसमें भी हमारा हिस्सा हो, तो दहेज में मिल गया जो मिल गया उसको तो छोड़ ही दो,
अब जो बचा हुआ है उसमें से भी वो करने लगती हैं, तो उसका दुरुपयोग भी कई बार हो जाता है। इसी विषय में आगे पति पत्नी के विषय में दोनों का अधिकार है, ये हम आगे आगे अधिकरण देखेंगे। चाहे तो थोड़ा सा देख लीजिए भले ही, नहीं तो हम ये इसको आगे देखेंगे, अगली कक्षा के अंदर देखते हैं, इतना ही रखते हैं। प्रणाम। ओ सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।